हरमाइन होटल के पास एक नई मस्जिद की तामीर हुई है, जिसका आज इफ्तिताही तकरीब थी। नकीब-ए-मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल्मुस्लिमीन, रुकने पार्लियामेंट ने मस्जिद का इफ्तिताह किया। आज जोहर की नमाज से इस मस्जिद का इबादतों का आगाज़ किया गया। मौलाना हाफिज़ वक़ारी अब्दुल अली सिद्दीकी साहब की इमामत में नमाज जोहर अदा की गई और उसके बाद दुआ की गई। और ये मस्जिद तामीर करने वाले सादिक सिराज साहब, जो इस मस्जिद को तामीर किए हैं, उनके वालिद हफीज़ साहब भी इसमें मौजूद थे, और मजलिस कारपोरेटर सुजुर मोहतमदीन महिबान मजलिस की कसीर तादाद, खुसूसन मुसलियान मस्जिद की कसीर तादाद मौजूद थी। ये तीन मंजिला मस्जिद है, जिसमें सीढ़ियों के अलावा लिफ्ट की भी सहूलत है, लेकिन पहली मंजिल पर मस्जिद है, जहाँ पर वाजमात नमाज अदा की गई। पहली नमाज में, जोहर की नमाज में आज मुसलियों से तंगदामानी का शिकवा कर रही थी मस्जिद। इंशाल्लाह पंच वक्ता नमाज में भी अगर यही रफ्तार रही, मुसलियों की यही तादाद रही, तो मैं समझता हूँ कि मस्जिद की मस्जिद और तोसी की नौबत आएंगी। बहरहाल अहलिया ने मौला को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी बस्ती में एक नई मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है। अल्लाह ताला बनाने वालों को इसका अजर सवाब अता करे, अजर अजीम अता करे, क्योंकि ये मस्जिद खैर जारिया है। जब तक इबादतें होती रहेंगी, तामीर करने वालों को अल्लाह जवाब सवाब देता रहेगा, लेकिन उसके बाद मोहल्ले के मुसलियान मस्जिद का जिम्मा है कि इस मस्जिद को आबाद रखे, इसकी देखभाल करे, और इबादतों में ज़्यादातर लोग इस मस्जिद को इस्तेमाल करें। रमज़ान में मस्जिद, हर मस्जिद रमज़ान में भरपूर रहती है। और बाद बस्तियाँ ऐसे भी अल्लाह के करम से हैदराबाद में जो पंच वक्ता नमाज में जुम्मे का मंजर पेश करते, इतने मुसलियों की तादाद होती है। मैं समझता हूँ कि मस्जिद मोहल्ले वालों के लिए भी एक नेमत है, मोहल्ले वाले इसको आबाद रखे और इस मस्जिद को तामीर करने वालों के हक में दुआ करते रहे। साथ ही साथ नकीब-ए-मिल्लत हबीब-ए-मिल्लत की सेहत व सलामती, उनकी दराजी उम्र, मजलिस की कामयाबी के लिए भी दुआ में याद रखिए। शुक्रिया। ठीक है, निकल जाना थी। Thank you.